हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोन। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि मैं केस लॉ का सीरीज लेकर के आप लोगों के लिए आ रहा हूं, उसमें मैंने पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करा दिया है। ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बात की जा रही है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एंड केस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के साथ मैंने केस लॉ अपने पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी डील करा रखा है। किसमें साथियों? तो पार्ट फर्स्ट में मैंने करा रखा है। अब आज हम बात करेंगे पार्ट सेकेंड की। ये सभी के सभी पार्ट्स को मैंने आपके सामने ऑलरेडी डील कर रखा है। आपको वीडियो लॉ विथ रोनित इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने के लिए साथियों मिल जाएगा। आगे हम चलते हैं, जहां से हमारा छूटा था वहीं से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आर्टिकल नंबर 15 से रिलेटेड हर एक चीज को मैंने डील कर लिया है, आर्टिकल नंबर 16 से रिलेटेड हर एक केस लॉ को मैंने डील कर लिया है, साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल 18, 19 में हमने जितने केस लॉ बन सकते थे उन सभी केस लॉ को आपके सामने एक एक करके डील करने का काम किया था, साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 20। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा साथियों वो आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड होगा, और जो भी केस लॉ बन सकते हैं आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड और आर्टिकल नंबर 35 के बीच में, मीन्स की पूरे फंडामेंटल राइट्स के बीच में जितने भी हमारे केस लॉ बन रहे हैं उन सभी केस लॉ को हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। देखिए आर्टिकल नंबर अगर 21 की हम बात करते हैं तो ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अब आप कहेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जब ये बात कर रहा है तो जितने भी केस लॉ हो रहे हैं सभी के सभी केस लॉ को क्यों आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत रखा जा रहा है? जैसे जीने के अधिकार की हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 में रख दीजिए, सोने के अधिकार को आर्टिकल नंबर 21 में रख दीजिए, शादी करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में रख दीजिए, बच्चा पैदा करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में रख दीजिए, इन सभी अधिकारों को आर्टिकल नंबर 21 में ही क्यों रखा जा रहा है? तो आप देखिए, क्योंकि इसमें किस चीज की बात की जा रही है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, किसकी बात की जा रही है साथियों? इस यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है लाइफ का, और जो भी चीजें अभी मैंने आपके साथ एग्जांपल के तौर पे बताया ये सभी की सभी चीजें हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है, इसीलिए आर्टिकल नंबर 21 के स्कोप को और वाइडर कर दिया गया। और कब से कर दिया गया इसके स्कोप को और वाइड कर दिया गया साथियों? तो जब से मनेका गांधी का केस आया उस केस के बाद से इसको और भी बढ़ा दिया गया। अब इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट केस लॉ को देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट केस लॉ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहला वो एके गोपालन का केस देखने के लिए मिल रहा है, और ये केस लॉ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप आर्टिकल नंबर 21 के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। एके गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास की बात करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे पास नेक्स्ट केस लॉ आता है वो मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है, और ये भी मामला आर्टिकल नंबर 21 से ही रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि क्रांति कब से आया आर्टिकल नंबर 21 में, तो साथियों इसी केस लॉ के बाद, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस लॉ के बाद ही आर्टिकल नंबर 21 का जो स्कोप हो गया साथियों वो बस इतना में था, लेकिन इतना हो गया। अब कितना बड़ा हो जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही जान सकता है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे एक और केस लॉ आपको देखने के लिए मिल रहा है, सतवंत सिंह वर्सेज एपीओ न्यू दिल्ली का केस, ये भी आपके आर्टिकल नंबर 21 में ही फॉल कर रहा है। यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ साथियों वो मैं आर्टिकल को डील कर रहा हूँ, और आर्टिकल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉ हो सकते हैं उन केस लॉ को मैं आपके सामने यहाँ पे डील कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप देखिए हुसैनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के मामले को देखिए, और ये भी मामला कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ देखिए ए आर एंथुले वर्सेज आर एस नायक की हम बात करते हैं। अगर हम हुसैनारा खातून के केस की बात करते हैं साथियों, तो जब जब आप सीआरपीसी को पढ़ रहे हैं तब तब वहां पे हुसैनारा खातून का केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं बार बार लिंक भी कराने को आपकी चीजें बताता रहूंगा कि ये चीजें आपको कहां पर देखने के लिए मिलेंगी और कहां पर आपको ये जा करके पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ पे हुसैनारा खातून के केस को देखेंगे तो ये सीआरपीसी से भी आप जा करके, आप अगर मेन एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो वहां पे भी इसका आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। अगर आप ए आर अंतुले वर्सेज आर एस नायक को देख रहे हैं तो ये आईपीसी के साथ भी आप डील कर सकते हैं, और आईपीसी के सेक्शन नंबर 21 के साथ आप डील कर सकते हैं कि आर एस नायक वर्सेज ए आर अंतुले, उसमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है,
एमपी क्या पब्लिक सर्वेंट होता है, एमएलए क्या पब्लिक सर्वेंट होता है, पीएम क्या पब्लिक सर्वेंट होता है, वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 21 से भी ये रिलेटेड है, एआर अंतुले वर्सेस आरएस नायक का केस। साथ ही साथ आप यहाँ पर नेक्स्ट केस देखेंगे, श्रीनिवासन गोपाल वर्सेस अरुणाचल प्रदेश का भी मामला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास एक और केस आ रहा है, ओलिगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट केस लॉ मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रख रहा हूँ। अब देखिए आर्टिकल नंबर 21 का स्कोप मैं आपके सामने और भी रख रहा हूँ कि आर्टिकल नंबर 21 से और कौन कौन से केस लॉ बन सकते हैं। राइट टू लिवलीहुड की अगर हम बात करते हैं, जिसमें ओलिगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कही गई है, यहाँ पे जो रोड पे ठेला लगा करके अपने जीवन यापन करते थे उन्हीं से रिलेटेड ये मामला है। मैं आज मामले में पूरे फैक्ट को आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट रखूंगा तो ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाएगा। और सिर्फ हमारा आज इंटेंशन है कि पूरे रिलेटेड केस लॉ को मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूँ। साथ ही साथ आप राइट टू शेल्टर की अगर हम बात करते हैं, तो चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सभी के सभी आपके आर्टिकल नंबर 21 में ही फॉल कर रहा है। रिप्रोडक्टिव चॉइस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो केस लॉ बनता है, सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का केस यहाँ पे रिप्रोडक्टिव च्वाइस से रिलेटेड बन रहा है। राइट टू हेल्थ की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। और यह भी मामला आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बार बार यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहां पे राइट टू स्लिप की हम बात करते हैं, तो रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, और ये भी आर्टिकल नंबर 21 से ही रिलेटेड हमारा केस लॉ आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ बॉन्डेड लेबर की अगर हम बात करते हैं, तो नीरज चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला यहाँ पे आपको देखने के लिए साथियों मिल रहा है। और ये सभी के सभी मामले अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा मीन्स की अपेक्स कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जजमेंट है, और सभी के सभी जजमेंट हर एक कोर्ट पे बाइंडिंग इफेक्ट अपना रखता है। राइट टू डाई की अगर हम बात करते हैं, तो जिसमें हमको देखने के लिए मिलता है ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का मामला देखने के लिए मिलता है। इसी के अंतर्गत हमको एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं पैसिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट किस केस लॉ से डिराइव किया गया, तो अरुणा रामचंद शानबाग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आया था। और इसी मामले के अंतर्गत हमको क्या देखने का, कौन सा कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला था, तो साथियों पैसिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट हमको देखने के लिए यहीं से मिला था। सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर की हम बात करते हैं, तो नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आया था, और इसी मामले में हमको ये देखने के लिए मिला था, किसकी बात करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर की अगर हम बात करते हैं, तभी से एक मेल का कॉलम आता है, एक फीमेल का कॉलम आता है, और एक ट्रांसजेंडर का कॉलम आता है। जब हम कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तब की हम बात बता रहे हैं। चाइल्ड राइट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसके रिलेटेड एक केस ला आता है, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आता है, और ये भी मामला आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट टू फ्री लीगल एड की अगर हम बात करते हैं, तो राइट टू फ्री लीगल एड से रिलेटेड कौन सा ऐसा मामला आता है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये जो मामला आ जाता है एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला आता है, और ये भी केस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम आर्टिकल नंबर 21 के अकॉर्डिंग में बात करते हैं। इन सभी केस लॉ का बताने का साथियों पर्पज ये है कि जब आप जुडिशरी का एग्जामिनेशन फेस करते हैं, तो आपसे मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, या फिर आप नेट और जेआरएफ का पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो वहां पे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तब आपको इस केस लॉ की अहमियत समझ में आती है कि ये केस लॉ किस आर्टिकल से रिलेटेड है, या फिर किस जगह से ये केस लॉ आया था, या फिर किस ईयर में इस केस लॉ को लाया गया था, और वो सारी चीजों को मैं आपके सामने एक साथ कंपाइल करके यहाँ पे रखने का काम कर रहा हूँ। अब आप देखिए कस्टोडियल टॉर्चर की अगर हम बात करते हैं और डेथ की बात करते हैं, तो कस्टोडियल टॉर्चर या फिर डेथ से रिलेटेड कौन कौन से केस लॉ बनाए गए हैं, इन सभी केस लॉ को आप यहां पर देखिए। सबसे पहले जो हमारे पास केस आता है वो नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का मामला आता है। फिर
डी के बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का मामला आता है, एंड नेक्स्ट जो केस लॉ आता है जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी की बात आती है। जब जब हम कस्टोडियल डेथ और टार्जर की बात करते हैं साथियों, तब तब हम भाग करके कहां जाएंगे, हम भाग करके सीआरपीसी में जाएंगे। और ये सभी के सभी केस लॉ जो आपको यहां पे आर्टिकल नंबर 21 में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं फॉल कहां पे करेगा, ये फॉल आपका सीआरपीसी के अंतर्गत जाकर के फॉल करेगा। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मेन एग्जामिनेशन का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इस केस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सीआरपीसी का आंसर राइटिंग कर रहे हैं अरेस्ट से रिलेटेड या कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड या कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड, वहां पे भी इन सभी का आप आंसर राइटिंग में केस लॉ को आप कोट कर सकते हैं। राइट टू क्लीन एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो रूरल लिटिगेशन एंड इंटरटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 1985 का मामला आया था, ये मामला भी आपके लिए आर्टिकल नंबर 21 से ही है, और ये भी मामला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है वो कौन सा केस लॉ आता है साथियों, तो एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया श्रीराम फूड फर्टिलाइजर्स केस 1986 से ये रिलेटेड है, और ये श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स जो है साथियों, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में था एक टाइम। और एम सी मेहता साहब की अगर हम बात करें तो साथियों, ये पर्यावरण विद हैं। कौन? एम सी मेहता साहब। इनके द्वारा तमाम तरह के PIL फाइल किए जाते हैं पर्यावरण को सेव करने के लिए, मीन्स की इन्वायरमेंटल को सेव करने के लिए। इसीलिए आप यहां पर देख रहे हैं जो केस बन रहा है ये किससे रिलेटेड, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये किससे रिलेटेड है, तो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट और इसी से रिलेटेड ये दोनों केस लॉ यहां पे बन रहे हैं। और एम सी मेहता साहब की अगर हम बात करते हैं तो एम सी मेहता साहब के द्वारा बहुत से PIL किए जाते हैं, और बहुत से PIL में इनका नाम आपको देखने के लिए एम सी मेहता साहब का मिलेगा। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आपको देखने के लिए मिल रहा है, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी मामला आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो हर एक मामला आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। जब आप एग्जामिनेशन में बैठे रहते हैं और एट दैट टाइम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसी टाइप के केस लॉ आपसे पूछ लिए जाते हैं, उस समय आपका दिमाग घूमने लगता है कि काश मैं ये चीजें पढ़ लेता, और पढ़ा भी होता तो कहाँ हमको पढ़ाया जाता है, केस लॉ कोई कहाँ पढ़ाता है आपको, केस लॉ के बारे में आपको कोई कहाँ बताता है, नहीं बताता है। ये मेरा प्लेटफॉर्म है, लॉ विथ रोनित का प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इन सभी चीज़ों को, जो चीज़ मैंने फेस किया है वो चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखने का, डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी जाएं एग्जामिनेशन में तो वो चीज़ें फेस ना करें, कि हमें कोई, हमारे टाइम में कोई हमें केस लॉ बताने वाला नहीं था कि इससे रिलेटेड कौन कौन से मामले बन रहे हैं, उसीलिए इन सभी चीज़ों को आपके सामने यहाँ पे रखा जा रहा है। तो आर्टिकल नंबर 21 का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, जितने केस लॉ हमारे पास थे, जितने हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे, उन सभी केस लॉ को मैंने एक साथ रखने का काम किया। इससे ज़्यादा और भी केस लॉ है, बस इतना ही नहीं है, और भी केस लॉ है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे आ गए और नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 21A को। जाहिर सी बात है, जब आर्टिकल के साथ 21 के साथ कैपिटल ए जोड़ दिया गया है, मीन्स कि इसमें क्या किया गया, इसमें पूर्ण रूप से अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करके ही इसको डाला गया है, किसको, ये जो कैपिटल ए आपको दिख रहा है। और ये आर्टिकल नंबर 21 कहता क्या है, तो आर्टिकल नंबर 21A कहता है राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। आप समझ सकते होंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमको देखने के लिए मिल रहा है, कहां से कहां तक, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में हमारे पास किसी भी प्रकार का राइट टू नहीं था, किसका राइट नहीं था, तो इसी एजुकेशन का राइट नहीं दिया गया था। बाद में क्या किया गया था, अमेंडमेंट करके हमको शिक्षा का अधिकार, हमारा मौलिक कर्तव्य बनाया गया था, हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया था। और वो कब किया गया था, तो साथियों हमारा जो 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था, और वो 86 नंबर का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसी 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या दिया गया था, हमें राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था। अब आप देखिए कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से केस लॉ बनते हैं। हमारा राइट टू एजुकेशन अब से क्या हो गया, 2002 के बाद हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। अब इससे रिलेटेड हमारा जो केस बनता है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि 1992 का मामला यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला, जो कि 1993 का मामला है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज
के श्याम सुंदरम का मामला है जो कि 2011 का मामला है, और ये आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड ये तीनों के तीनों केस लॉ अपने आप में सफिशियंट है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है अगर आर्टिकल नंबर 21 की बात हम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर जब जब हम 22 की बात करेंगे तब तब हमको क्या देखने के लिए मिलता है, प्रोटेक्शन अगेन अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है। ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं सीआरपीसी को हिट करता है कि भैया जब जब आप किसी को अरेस्ट करने जाएंगे तब तब आप सीआरपीसी के अरेस्ट चैप्टर को पढ़ करके जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 को आप पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा हमको देखने के लिए गाइडलाइन हमको देखने के लिए मिलता है कि हम किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करने जा रहे हैं तो कौन कौन से गाइडलाइन से हमको हो करके गुजरना है। अगर मैं पुलिस हूँ और मैं किसी प्राइवेट व्यक्ति को किसी को भी गिरफ्तार करने जा रहा हूँ तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे पूरा का पूरा आपको मामला देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तक कि ये जो डीके बसु का केस लॉ आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसमें पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था कि जब आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो आपको ये प्रोसीजर आपको क्या करना पड़ेगा, लेट डाउन करना पड़ेगा, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो प्रोसीजर बताया जा रहा है उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप उसको गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करने के बाद उसको उससे वकील से मिलने का भी आपको राइट देना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि किस लिए तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, ये हर एक फैक्ट आपको बताने की आपकी लाइबिलिटी है। किसकी लाइबिलिटी है, तो पुलिस भाई साहब आपकी लाइबिलिटी है, और यही प्रोटेक्शन हमको आर्टिकल नंबर 22 प्रोवाइड कर रहा है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। कर है सुकर अली वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का मामला आप देखिए, एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का मामला देखिए, ये सभी के सभी मामले आर्टिकल नंबर 22 के अंतर्गत फॉल किए जा रहे हैं। मैंने फिर कहा था हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला, जो कि मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस मामला था हुसैनारा खातून का, और ये एक PIL था साथियों हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की अगर हम बात करते हैं, यहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और ये सीआरपीसी का भी आपका मामला है। सिर्फ फिर मैंने डीके बसु के बारे में बता दिया कि डीके बसु में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरा का पूरा गाइडलाइन ही दे दिया गया था कि किस तरह से आपको अरेस्ट करने जाना है किसी भी व्यक्ति को। फिर एक और केस लॉ हमारे पास आता है एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, जो कि 1982 का मामला है। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 22 से कौन कौन से आपके सामने केस लॉ बन करके आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 23 से रिलेटेड कि आर्टिकल नंबर 23 से रिलेटेड कौन कौन से केस लॉ आपके सामने आ रहे हैं, और ये बात किस चीज के करता है, तो कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, ये ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन्स एंड फोर्स लेबर की बात कर रहा है, और इससे रिलेटेड जो केस लॉ बनते हैं हमारे पास दो केस लॉ है, दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1983 का मामला है, और एसियाड वर्कर्स केस लॉ, ये दो केस लॉ हमारे आर्टिकल नंबर 23 से बनते हैं। बस आपके दिमाग में केस लॉ रहेगा तो आप एग्जामिनेशन में खट से आप यहाँ पे मार देंगे, आप एलिमिनेट कर लेंगे कि नहीं ये केस लॉ मैंने यहाँ पे और इस टाइम मैंने पढ़ा था, ये इस आर्टिकल से रिलेटेड है, इसीलिए इन सभी केस लॉ को मैं आपके सामने यहाँ पे रखने का काम कर रहा हूँ। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो ये आपको नंबर दे करके ही जाएगा, आपका नंबर ले करके नहीं जाएगा। आर्टिकल नंबर अगर 24 की हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा की बात कर रहा है। फिर आपको MC मेहता साहब यहां पर देखने के लिए मिल गए, क्योंकि चाइल्ड के प्रोटेक्शन की बात हो, इन्वायरमेंट की बात हो, MC मेहता साहब फटाक से PIL फाइल करते हैं। तो यहां पर देखिए MC मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु आपको यहां पर देखने के लिए एक केस मिलेगा, और ये भी केस लॉ अपने आप में बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट केस लॉ है। फिर यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर का केस देखने के लिए मिलेगा पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी मामला, ये भी मामला अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है जो कि आर्टिकल नंबर 24 के साथ डील कर रहा है। अब हम एक और आर्टिकल के साथ चलेंगे, आर्टिकल नंबर 25 के पास चलेंगे, जो कि किस चीज की बात करता है, अगर आर्टिकल नंबर हम 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक की बात करते हैं तो ये बात करता है राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजियंस की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजियंस की बात करता है, और उसी से रिलेटेड हमारे पास जो भी केस लॉ बन सकते थे, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जजमेंट पास किए गए हैं, उन सभी जजमेंट को मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रख रहा हूँ। कह रहा है आर्टिकल नंबर 25 की अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ कंसाइज
एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन्स की बात कर रहा है। इसमें दो हमारे पास केस हैं, दो नहीं हमारे पास बहुत से केस लॉ हैं, जिसमें इंडियन यंग लायर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला आता है, जिसमें आप लोग सबरीमाला केस के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। किस केस के नाम से जानते हैं साथियों? तो सबरीमाला मंदिर का जो मामला आया था 2019 में, उस केस का नाम है इंडियन यंग लायर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और सबरीमाला के केस के नाम से भी आप इसको याद करके रखिए, जिससे कि आपके दिमाग में काफ़ी दिनों तक ये बैठा रहे, अगर आर्टिकल नंबर 25 से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है। फिर एक हमारे पास जो नेक्स्ट केस आ रहा है, SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आ रहा है, जो कि 1994 का है। ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 25 में ही डील कर रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस लॉ आ रहा है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2002 का मामला है, और ये भी हमारे लिए इससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल नंबर 25 से ही रिलेटेड है। फिर हमारे पास एक और केस लॉ आ रहा है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, आपने देख लिया। इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जो कि 1994 से रिलेटेड है, और ये भी मामला आपका आर्टिकल नंबर 25 से ही डील कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट केस आ रहा है चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन सन 2000, ये भी आपका आर्टिकल नंबर 25 से ही रिलेटेड मामला है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको भी रखने का काम किया है। अब आर्टिकल नंबर 26 से रिलेटेड देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं, तो ये बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात कर रहा है। और इससे रिलेटेड कौन सा हमारा केस लॉ बनता है? तो इससे रिलेटेड हमारा केस लॉ बनता है SP मित्तल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1983 का केस है, और ये भी केस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्टिकल नंबर अगर 27 और 28 की बात करते हैं, तो ऐसा सच कोई केस लॉ इससे रिलेटेड नहीं बन रहा है, चाहे बना भी है तो मैं उसको लेकर के नहीं आया हूं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है केस लॉ से बेस्ड। और आर्टिकल नंबर 27 की हम बात करते हैं, तो ये क्या कहता है? कर है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन्स की बात कर रहा है। और आर्टिकल नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है। अगर हम आर्टिकल नंबर 27 और आर्टिकल नंबर 28 की बात कर रहे हैं, तो जिससे जिससे हमारा केस लॉ बन रहा है उस आर्टिकल को हम ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर आप यहाँ पे 29 को देखिए, कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, और इससे रिलेटेड हमारे पास दो केस लॉ आ रहे हैं, जिसमें से पहला केस है SP मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1983 का मामला है, और एक जो नेक्स्ट केस लॉ है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जो कि 1974 का मामला है। ये आर्टिकल नंबर 29 से रिलेटेड आपका केस बन रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है। आर्टिकल नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, और ये यहां पे जो केस लॉ आपका बन रहा है TMA पाई फाउंडेशन, क्या है? तो TMA पाई फाउंडेशन केस वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात कर रहा हूं, और ये आर्टिकल नंबर 30 से रिलेटेड आपके पास केस लॉ बन रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे कि और आर्टिकल नंबर 30 से रिलेटेड कौन कौन से मामले बन रहे हैं, तो इसमें आप देखिए, कह रहा है इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का भी मामला बन रहा है आर्टिकल नंबर 30 से रिलेटेड। फिर हमारे पास आर्टिकल नंबर 30 से ही रिलेटेड क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वैल्यूअर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का मामला ये भी बन रहा है, और ये भी मामला आपके आर्टिकल नंबर 30 से इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, जहाँ से हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, हमारे एग्जामिनेशन में यहाँ से डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो क्या है? आर्टिकल नंबर 32। और आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? कहता है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फरिंग बाय दिस पार्ट की बात कर रहा है। और अगर हम कोट करना चाहें यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को, तो इनके द्वारा क्या चीजें कही गई हैं, अब इस चीज को भी जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके द्वारा कहा गया है कि आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब के द्वारा ये बात कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 32 को अगर हटा दिया जाए तो संविधान हमारे लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, हमारा हार्ट एंड सोल है कौन आर्टिकल, तो पूरे के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 32 को बताया गया है। किस लिए बताया गया है बाबा साहब के द्वारा?
क्योंकि इसमें हमको पांच प्रकार की रिट्स इशू करने की पावर दी गई है। और वो कौन कौन से पांच प्रकार के रिट्स हैं, जिसमें हैबियस कॉर्पस आता है, मैंडमस आता है, प्रोहिबिशन आता है, क्यू वारंटो आता है और सरसरोरी आता है। ये पांच प्रकार के रिट्स हैं और इसी पांच प्रकार के रिट्स के माध्यम से आपके अगर फंडामेंटल राइट का कोई भी किसी भी प्रकार से अगर कर्टेल कर रहा है तो डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, एज वेल एज आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग अपने स्टेट के हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। ये चीजें, इतना पावर आपको आर्टिकल नंबर 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया है कि आप डायरेक्ट आप जा सकते हैं और रिट यहाँ पे फाइल कर सकते हैं कि साहब मेरे फंडामेंटल राइट्स का क्या किया जा रहा है, इन सभी में से किसी भी ग्राउंड पे किसी के द्वारा वायलेट किया जा रहा है। इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा गया था। अब आप देखिए कि हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड कौन कौन से केस बने हैं, अगर हम मैंडमस से रिलेटेड बात करते हैं तो कौन कौन सा केस बन रहा है, क्यू वारंटो से क्या बन रहा है, तो हैबियस कॉर्पस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इंपॉर्टेंट केस बलॉ बनता है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का मामला आता है और ये मामला हैबियस कॉर्पस से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड कौन सा मामला इंपॉर्टेंट है, तो यही एडीएम जबलपुर वाला मामला इंपॉर्टेंट है वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अगर आप मैंडमस से रिलेटेड केस लॉ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो केस लॉ है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन का, ये रिट ऑफ मैंडमस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट केस लॉ बनता है, चंपकम दोराई राजन का मामला। फिर यहाँ पे इसी से रिलेटेड जनता दल वर्सेज एचएस चौधरी का केस यहाँ पर बनता है। फिर मैंडमस से ही रिलेटेड एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का भी मामला बनता है। फिर रिट ऑफ मैंडमस से ही रिलेटेड पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का भी मामला आपका मैंडमस से ही बन रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे फिर एमसी मेहता साहब को देखेंगे, आप कहेंगे कि बार बार एमसी मेहता साहब आ जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा उनका आना तय है, एक बार नहीं दो बार नहीं वो हजारों बार आपको देखने के लिए मिलेंगे, जब जब आप केस लॉ को पढ़ेंगे तब तब एमसी मेहता साहब आपको मिलेंगे। कर रहा है एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का ये मामला है। फिर यहाँ पे लास्ट आपके पास मैंडमस से रिलेटेड केस आ रहा है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का। तो साथियों जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट केस लॉ हो सकते थे उन सभी केस लॉ को मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास किया। आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड और आर्टिकल नंबर 32 तक के जो भी हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ बन रहे थे उन सभी केस लॉ को मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे अच्छे से बताने का और रखने का काम किया है। साथियों अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप Law with Ronit, Law with R-O-N-I-T ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं इन सभी केस लॉ का जो मेरे हैंड रिटन के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।